गुड मॉर्निंग क्लास टू. टुडे आई विल टीच यू सोशल स्टडी चैप्टर नंबर टू द फूड वी ईट. द फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. वी ऑल ईट फूड. वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. इट गिव अस एनर्जी टू वर्क थिंक एंड प्ले. इट कीप अस हेल्दी एंड मेक अस स्ट्रांग. इन आवर फूड वेजिटेबल्स फ्रूट्स सीरियल्स पल्सेस बेवरेजेस आर इंक्लूडेड. बच्चों हम लोग के शरीर में बहुत सी चीजों के एक इम्पॉर्टेंस होती है. बहुत सी चीजें जरूरत होती है जिनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है खाना. फूड मीन्स खाना. खाना खाने से हमें ताकत मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है जिनसे हम खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं और स्ट्रांग बन सकते हैं. जिनमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब्जी फल दाल चावल सब कुछ आता है. ठीक. फूड मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग. वी ईट मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स लाइक सीरियल्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स. द फूड वी ईट इज ऑब्टेन्ड आइदर प्लांट्स आइदर एनिमल्स. ओके. फूड मेक अस बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग. फूड क्या करता है? हमारे मसल्स को हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाता है. हम बहुत सी तरह के खाने को खाते हैं जैसे कि दाल चावल सब्जी फल बहुत सी चीजें होती हैं. और ये जो खाना जो भोजन हम करते हैं ये भोजन हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी. वी गेट ग्रेन्स पल्सेस सीरियल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स. वी मस्ट ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. हम क्या क्या पाते हैं? हम प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, चावल गेहूं ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं. और हमें हमेशा फ्रेश और ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए. वी ऑल्सो गेट सम ऑफ आवर फूड फ्रॉम एनिमल्स. वी गेट मीट फिश एग्स एक्सेट्रा फ्रॉम एनिमल्स. हमें एनिमल से किस किस किन किन तरह के भोजन मिलते हैं? मीट फिश एग ये सब हमें जानवरों के द्वारा मिलता है. सम एनिमल्स लाइक काउ बफेलोज एंड गोट गिव अस मिल्क. मिल्क इज यूज टू मेक मेनी थिंग्स लाइक चीज बटर कर्ड एक्सेट्रा. कुछ जो जानवर होते हैं उनके द्वारा भी हमें क्या मिलता है? दूध. जैसे काउ बफेलो गोट ये हमें क्या देते हैं? दूध. और दूध से हम बहुत सी तरह की चीजें बनाते हैं जैसे दही चीज बटर ये सब भी हम खाने में प्रयोग करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. फूड के टाइप्स क्या होते हैं? बहुत सी तरह के फूड्स होते हैं. एनर्जी गिविंग फूड जो हमें एनर्जी देता है. कौन कौन से खाने की चीजें जो हमें एनर्जी देती है? जैसे चावल घी मक्खन शुगर पोटैटो ये सब चीजें क्या है? ये सब हमें एनर्जी देता है कि हम काम कर सके हम खेल सके इसके लिए हमें एनर्जी देता है. बॉडी बिल्डिंग फूड. इट कंटेन्स प्रोटीन दैट हेल्प अस टू बिल्ड बॉडी. वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम पल्सेस फिश मीट एंड एग्स. बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स कि बहुत से लोग जाते हैं जिम में जाते हैं बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं. तो उनको एक्सरसाइज जब करते हैं तो उनके शरीर में प्रोटीन की जरूरत होती है. तो प्रोटीन हमें कैसे मिलेगा? हमें क्या क्या खाने से प्रोटीन मिलेगा? मीट फिश एग मिल्क ये सब खाने से हमें हमारी बॉडी को प्रोटीन मिलती है. प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिसीज. फ्रूट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मिल्क कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? प्रोटेक्टिव फूड उसे कहते हैं जिन्हें खाने से हम बीमार होने से बचते हैं. जैसे कि फ्रूट्स ग्रीन वेजिटेबल्स मिल्क ये सब चीजें खाने से हमें कोई डिसीज नहीं होते. हम इन्फेक्शन से दूर हो जाते हैं. डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है. ठीक है. मील्स ऑफ द डे. वी ईट फोर मील्स इन अ डे. ओके. फर्स्ट ब्रेकफास्ट. इन द मॉर्निंग बिफोर वी लीव फॉर स्कूल वी ईट ब्रेकफास्ट. वी यूजुअली हैव ब्रेड एग्स मिल्क्स फ्रूट्स जूस इडली और स्टफ्ड पराठास. वी शुड हैव आवर ब्रेकफास्ट डेली. जब हम स्कूल जाते हैं या सुबह हम जब ब्रश करते हैं तो मम्मा हमें खाने में क्या क्या देती है? ब्रेड. ब्रेड में बटर लगा देती है या फिर दूध या फिर स्टफ्ड पराठा
जो जैसे आलू के पराठे, दाल का पराठा, ये सब हम लोग सुबह खाते हैं। जो हम सुबह खाते हैं उसे हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। लंच, द मील दैट वी ईट इन द आफ्टरनून इज कॉल्ड लंच। वी यूजुअली ईट राइस, चपातीज, वेजिटेबल्स, पल्सेस, कर्ड एक्सेट्रा इन लंच। लंच में मतलब दिन के खाने में हम क्या क्या खाते हैं, जैसे कि रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दही, ये सब चीजें हम दिन में खाते हैं और दिन के खाने को लंच कहते हैं। टी ब्रेक, इन द इवनिंग वी ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क और अ कप ऑफ टी एंड ईट बिस्किट्स और सम अदर लाइट स्नैक्स। टी ब्रेक मीन्स जब आप शाम को खेल के आते होगे घर पे तो आप थक जाते होगे, तो मम्मा क्या देती है, मिल्क देती है, ग्लास में मिल्क देती है, साथ में बिस्किट, टोस्ट, कुछ ना कुछ खाने को देती है। तो जो शाम को हम लोग खाते, जैसे कि खाते या पीते हैं, जैसे कि चाय या दूध, उसके साथ कुछ बिस्किट, कुछ स्नैक्स ले लिया, तो उसे कहते हैं इवनिंग टी ब्रेक। द लास्ट डिनर, द लास्ट मील ऑफ द डे इज डिनर। एट डिनर वी हैव राइस और चपातीज, दाल, फिश और मीट एंड वेजिटेबल्स। समटाइम्स वी ऑल्सो ईट अ स्वीट डिश एट द एंड। डिनर इज एन इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। द होल फैमिली सिट्स टूगेदर फॉर डिनर एट नाइट। वी टेल ईच अदर हाउ वी स्पेंड आवर डे एंड टॉक अबाउट मेनी थिंग्स। डिनर हमारे घर में या हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम हम हमारे परिवार के सदस्यों के साथ मिलके खाना खाते हैं, और जब हम साथ मिलके खाते हैं तो वहां पर हम लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, हम लोग ने सारा दिन क्या किया वो बात करते हैं, और क्या क्या खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और कभी कभी फिश, मीट, ये सब भी खाते हैं। तो और रात में खाने के बाद तो स्वीट्स भी खाते हैं। तो इसीलिए डिनर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। बैलेंस्ड डाइट, आवर बॉडी नीड्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। अ बैलेंस्ड डाइट गिव अस आवर बॉडी ऑल द एसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स। वी शुड ईट अ लिटिल ऑफ ऑल फूड आइटम्स। फूड दैट कंटेन्स ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट अ पर्सन नीड्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। बहुत से लोग अपने बॉडी को फिट रखने के लिए डाइट का खाना खाते हैं। डाइट खाना मीन्स मतलब हर चीजों को बैलेंस करके खाया जाता है। अगर हम फिश भी खा रहे हैं या हम फ्रूट्स खा रहे हैं या वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो हम एक जितनी जरूरत है, जितना रिक्वायर्ड हमारे बॉडी में हमें होना चाहिए, हमें जरूरत है, उतना ही खाते हैं। तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। गुड ईटिंग हैबिट्स, वाओ, आवर फूड शुड बी क्लीन, फ्रेश एंड वेल कुक्ड। स्टेल और ओवर कुक्ड फूड मेक अस सिक। वी शुड नॉट वेस्ट फूड। वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। वी शुड ऑलवेज टेक आवर मील्स एट फिक्स्ड आवर्स। तो गुड ईटिंग हैबिट्स क्या होते हैं? गुड ईटिंग हैबिट्स मीन्स कि हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को वॉश करना चाहिए, धुलना चाहिए, और कभी भी बासी खाना या जैसे ओवर कुक्ड जो फूड होते हैं, खाना होते हैं, उसे नहीं खाना चाहिए। उसको खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। हमेशा हमें फ्रेश, क्लीन और वेल कुक्ड, अच्छे से पका हुआ खाना ही खाना चाहिए, और खाना हमेशा टाइम पे खाना चाहिए। वी ऑल्सो नीड वॉटर टू लिव। वी कैन नॉट लिव विदाउट वॉटर। वॉटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 glasses वॉटर एवरी डे। तो वी ऑल्सो नीड वॉटर टू लिव, सही, हमें तो जीने के लिए पानी की जरूरत है। वी कैन नॉट लिव, हम पानी के बिना नहीं जी सकते, इसीलिए और हमें हमेशा डेली 8 glasses वॉटर हमेशा पीना चाहिए, और क्योंकि जो ये पानी है वो हमारे जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसको पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ओके चिल्ड्रेन, नाउ यू ऑल आर केयरफुली रीडिंग दिस चैप्टर एंड ऑल्सो PDF वर्क राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, बाय चिल्ड्रेन।